नमस्कार, प्रस्तुत है क्लास 8 बोर्ड एग्जाम 2023 के गणित का सॉल्व पेपर और इसका ये पार्ट 4 वीडियो है। अब तक हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हल किया है। अब इस पार्ट 4 वीडियो में हम प्रश्न संख्या 31 से लेकर प्रश्न संख्या 40 तक के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 31 है, 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर ऊंचे घनाभ का आयतन होगा, तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला, घनाभ का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई है 6, चौड़ाई है 3 और ऊंचाई है 2। तो ये हो गया 6 × 3 = 18, दूनी 36 मीटर क्यूब। आयतन में हमेशा जो इकाई होती है तो क्यूब देते हैं। ये प्रश्न संख्या 32, यदि बारंबारता 7 हो तो संगत मिलान चिन्ह होगा। तो ये देखिए, ये चौथा नंबर होगा। देखिए, ये हम लोग मिलान चिन्ह में ऐसा करते हैं, ये चार खड़ी रेखाएं खींचते हैं और उसके बाद पांचवा जो होता है ऐसे काट देते हैं, तो ये 5 हो गया और ये 6 7, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। प्रश्न संख्या 33 भी मिलान चिन्ह से ही संबंधित है। तो ये जो मिलान चिन्ह दिया हुआ है ये किसे दर्शाता है? तो आइए गिनते हैं, 5 5 10 और 4 14, ये 14 है। प्रश्न संख्या 34, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा। तो वर्ग चिन्ह जो वर्ग अंतराल का जो वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला यह है, बराबर जो निम्नतम सीमा है, निम्न सीमा है उसमें जोड़ देते हैं उच्च सीमा और 2 से भाग दे देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 10 और 20 30, 30/2 यानी 15। तो वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह है 15, ये ऑप्शन नंबर 2। आंकड़े 2 4 8 9 5 6 1 3 2 5 का परिसर है। तो परिसर क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या है? तो परिसर बराबर उच्चतम आंकड़ा घटाओ, इधर लिख रहे हैं न्यूनतम आंकड़ा, तो उच्चतम आंकड़ा इसमें कौन सा है? देखिए 9 है, घटाओ न्यूनतम कौन सा है? 1, तो 9 से 1 घटा दे रहे हैं तो क्या आ रहा है? 8। तो परिसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1, 8। प्रश्न संख्या 36, वर्ग अंतराल 10 से 15 की निम्न सीमा है। तो ये देखिए 10, ये जो है ना निम्न सीमा और ये उच्च सीमा होती है, तो निम्न सीमा है 10। प्रश्न संख्या 37, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम होगा। तो 2 सिक्के, जब हम एक सिक्के को उछालेंगे तो उसमें 2 परिणाम हो सकता है, एक पट या एक चित। फिर दूसरे सिक्के में भी ऐसे ही होगा, एक पट और एक चित।
है ना, जिसको हेड एंड टेल बोलते हैं। तो इस तरह से कितने परिणाम हो गए दो सिक्के में, चार परिणाम हो गए। तो ये ऑप्शन नंबर फोर सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर टू, ये फोर। प्रश्न संख्या 38, पाई चार्ट के लिए वृत्त के केंद्रीय कोण का मान होता है। तो पाई चार्ट तो इस तरह से ये वृत्त चार्ट को ही कहते हैं पाई चार्ट। तो ये जो केंद्रीय कोण है ये पूरा, तो ये कितना होता है 360 डिग्री। प्रश्न संख्या 39, आंकड़ों का निरूपण निम्न में से किसके द्वारा नहीं होता है। तो आयत चित्र के द्वारा होता है, दंडालेख के द्वारा है, द्विदंड आलेख के द्वारा होता है, वर्ग चित्र तो होता नहीं है, है ना। तो यही हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 40, जब एक पासे को फेंका जाता है तब सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो देखिए पासे में, पासे जिसे आप लूडो खेलते हैं उसमें कौन सी संख्याएं होती है, एक एक दो तीन चार पांच और छह। तो इसमें सम संख्या कौन कौन सा है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, यानी तीन सम संख्याएं हैं। तो तीन सम संख्याएं हैं और कुल संख्याएं कितनी है, बटा ये छह करते हैं। तो ये प्रायिकता का फॉर्मूला है, प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर जो सम संख्या है तो उसकी जो घटना होगी वो कितनी होगी, तीन होगी, और कुल परिणाम कितना होगा, छह होगा। तो इसे बटा में रखते हैं तो ये कितना हो गया, एक बटा दो। तो ये ऑप्शन नंबर टू हमारा सही है। तो इस तरह ये पार्ट फोर वीडियो था। पार्ट फाइव वीडियो में अंतिम 10 प्रश्नों को हल करूंगा। धन्यवाद।